नमस्कार, आज के सेशन में सभी का स्वागत है। अब आगे और आगे डिस्कस करते हैं कंजंक्शन ऑफ टू शेप्स, जो अब इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल, उन्होंने भी ये कहा है कि दोनों संसद भवन मिलजुल के काम करेंगे। तो कैसे मिलजुल के काम करेंगे, वास्तु एंगल से देखते हैं। देखो, तो मेरे हिसाब से वराह आकार का प्रभाव है। अब यहाँ पर दो आकारों का सामंजस्य है। कंजंक्शन ऑफ टू शेप अगर लें तो भारत सरकार क्या चाहती है, नया संसद भवन मौजूद गोलाकार संसद भवन के साथ मिलजुल कर काम करे, और उन्होंने भी यही कहा, वास्तुशिल्पी जो इनके हैं तो ये कैसे काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे वराह अवतार हुए हैं हमारे यहाँ भगवान विष्णु के, पहला मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, और तीसरे ये माना जाता वराह अवतार थे। उन्होंने इस तरह धरती का उद्धार किया था और उसको अपने दांतों पर उठा लिया था या अपने सिर पे उठा लिया था, इस तरह धरती का उद्धार किया था उन्होंने। तो जब नई संसद भवन को पुरानी संसद भवन के साथ मिला के देखोगे आप, तो क्या देखोगे, जैसे नई इमारत ने पुरानी बिल्डिंग को सिर पर धारण कर रखा है गेंद की तरह, इस तरह आपको लगेगा। जैसे भगवान विष्णु के वराह अवतार ने गेंदनुमा पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा रखा है या सिर पर उठा रखा है। तो सनातन धर्म क्या कहता है, राक्षस था एक हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था। अब जल से किसी को निकालोगे तो एकदम ऊपर उठाओगे ना सूखे में। तो भगवान विष्णु ने इस तरह वराह अवतार लिया और पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाला, और इस प्रकार भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी वराह अवतार ने पृथ्वी का कल्याण किया था। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार भूखंड और भवनों के आकारों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव है, जो मैंने आपको बताया। विश्वकर्म प्रकाश में पढ़ोगे तो इस तरह से, अब देखो आप इसको यहाँ से देखो, बिल्कुल ऐसे सिर पे धारण कर रखा है जैसे पुरानी पार्लियामेंट को। ये देखो, बिल्कुल ऐसे लगता है ना दांतों पे या सिर पे धारण कर रखा है, एकदम उठा लिया ऊपर। तो जब आप फ्रंट से देखोगे तो वो सिर पे हो गई, वर्तमान पुरानी जो संसद भवन है गोल, वो जो नई संसद भवन के सिर पे है। इस तरह लगेगा आपको कि इन्होंने, ये नई संसद भवन ने उसको सिर पे उठा रखा है, और सिर पे उठाने वाला एकदम से आपके दिमाग में आएगा अगर आप सनातन धर्मी हो, एकदम आपने ये कहानियाँ पढ़ी हुई हैं सारी, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि भाई ये तो वही वाली चीज़ हो रही है बिल्कुल, कि सिर पे धारण कर रखा है गोल संसद भवन है वर्तमान। अब देखो ये वराह अवतार है ना, आगे से कटा हुआ है कोना, आज की जो संसद बना कोना कटा हुआ है, और वराह का मुख बिल्कुल ऐसे ही होता है, और फिर ये बढ़ता चला जाता है ऐसे, और फिर पीछे छोटा हो जाता है वराह। तो बिल्कुल ऐसे हो रहा है। और आपको बताया ना वराह आकार का आर्मी फॉर्मेशन बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि भाई जो रोम्बस शेप है वो वराह आकार मानी जाती है, ये बिल्कुल वही चीज़ है। तो हमारे यहाँ मंत्र शास्त्र का जो बेस है उसमें क्या बेस है, वट एवर वी थिंक सो शैल वी बिकम, जो भी हम सोचेंगे तो जैसा हम देखते हैं वैसे हम सोचते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे आप, देखोगे जिस तरह गोलगप्पा देखोगे सोचने लगोगे पानी मुंह में आ जाता है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। ओके, वट एवर वी थिंक सो शैल वी बिकम, या कहा ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, एज इज़ द विज़न सो इज़ द क्रिएशन, जैसे सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो बस इसमें भी भाव पैदा होंगे, हमें ये बार बार बिल्डिंग देख के, दो बिल्डिंग को कम्बाइंडली देख के भाव हमारे ऐसे पैदा होंगे जिस तरह भगवान विष्णु के वराह अवतार ने पृथ्वी को सिर पे उठा रखा, उसका उद्धार किया है। तो ये बिल्डिंग भी पुरानी बिल्डिंग का उद्धार करेगी, ये भी कह लो दोनों मिलजुल के काम करेगी। अब उसको रेट्रोफिटिंग शुरू कर देंगे पुरानी बिल्डिंग की, नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा उसमें, उसका भी उपयोग होता रहेगा। तो भाव की प्रधानता है हमारे यहाँ। गीता के 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा गया है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन को के अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ व्यक्ति शरीर को त्यागता है, मतलब शरीर का त्याग करते वक्त मरते वक्त जो भाव व्यक्ति के अंदर बहुत गहरा होता है, चाहे चेतन मस्तिष्क में हो चाहे अचेतन में हो,
वह सदैव उस भाव के चिंतन के फल स्वरूप, क्योंकि वही चिंतन करता रहा, भाव उसका पक चुका है, उसी भाव को प्राप्त होता है, मतलब उसी चीज को प्राप्त करने के लिए नया जन्म लेगा वो। तो यहाँ दोनों संसद भवन को मिलाने पे विष्णु के वराह अवतार के समान आकार हमारे सामने भासित होगा, दिखेगा, लगेगा, तो इसका बहुत गहरा प्रभाव होने वाला है हम भारतीयों पर। तो मन में एक संचार होगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि भाई उद्धार होने वाला है देश का। अब आप देखो आगे से इस तरह कटा हुआ सा होता है मुँह इसका, और फिर इस तरह फैलता चला जाता है, देखो ट्रेपिजॉइडल शेप वो है इसकी, ठीक है ना। कहीं भी देखोगे इस तरह से फैलता चला जाता है वरा जो शुक्र है। अब आप देखो भगवान विष्णु का अवतार माना है शुक्र, एक सुअर, एक तो देखो जो विश्वकर्ण प्रकाश में उसमें सुअर का आकार बुरा माना है, लेकिन वो सुअर आम सुअर है, गंदगी खाने वाला, ये है बोर, ये है लड़ाकू सुअर, लड़ाकू जानवर है, जंगली सुअर है ये वो नहीं है जो आप कूड़े पे मुंह मार रहा है, ये ध्यान रखना आपने। तो अब बोर शेप की तो आर्मी फॉर्मेशन बताई गई है जो कि महाभारत में भी यूज़ की गई थी, तो वराह के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, इसलिए हमें दोनों में फ़र्क है। जो विश्वकर्म प्रकाश में सुअर जैसा आकार बताया प्लॉट का वो अशुभ है, लेकिन ये सुअर अलग है, ये लड़ने वाला सुअर है। तो वराह यानी जंगली सुअर का थूथन आगे से चपटा रहता, अभी मैंने दिखाया आपको। तो नई संसद भवन भी कटे हुए कोनों से देखोगे तो वराह के थूथन की तरह चपटे आकार की कटी हुई सी लगेगी। हालांकि वराह आक्रामक जानवर नहीं होता, ठीक है, जो ये लड़ाकू है बिल्कुल जंगली सुअर वो वैसे आक्रामक होता नहीं है, लेकिन अपनी इसकी शक्ति बहुत है, शक्तिशाली बहुत है, ये गति बहुत ज़्यादा है इसकी, तो स्ट्रेंथ बहुत है, स्पीड है इसकी, और भयंकर है, इसके दांत बहुत भयंकर होते हैं, ठीक है। तो ये खतरनाक साबित हो सकता है अगर कोई पंगे लेगा इसे, तो फिर ये शेर से भी बढ़ जाता है और शेर को भी भागना पड़ता है कई बार। तो जंगली सुअर अपनी तेज चाल की वजह से और अपने नुकीले दांतों के कारण प्रसिद्ध है ये, वैसे ये शर्मीला जानवर है, आमतौर पे मनुष्यों से दूर रहने की कोशिश करता है ये, लेकिन अगर घिर जाए तो फिर इसको जीतना मुश्किल है, फिर ये भिड़ जाता है कोई भी हो, फिर इस पे काबू पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो कई संस्कृतियों में इसे साहस का, निडरता का, उग्रता का प्रतीक माना जाता है, सो इट इज़ कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ करेज, फियरलेसनेस एंड फेरोसिटी। अब आप देखो जो पुराने राजा लोग थे वो इसका शिकार करते थे और इसका मांस खाते थे, लेकिन ये जो कूड़े पे गंदगी पे मुंह मारने वाला सुअर है उसका मांस कौन खाते हैं, आपको पता होगा। ज़्यादातर जो समाज में निम्न दर्जे के लोग हैं वो इस सुअर का मांस खाते हैं, लेकिन जो पुराने क्षत्रिय लोग थे, राजा लोग थे और क्षत्रिय लोग थे, वो इस सुअर का मांस नहीं खाते थे, वो जंगली सुअर का, उसका शिकार करके खाते थे। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, इसे समझना है आपने। तो इनमें गहन समूह भावना होती है, ग्रुप में चलते हैं, ये ग्रुप स्पिरिट है जो इनमें। फिर कमांड कंट्रोल करके चलते हैं सिचुएशन को, और युद्ध भावना होती है, फाइटिंग स्पिरिट होती है, भिड़ जाते हैं ये, कोई भी हो चाहे शेर हो फिर आगे। तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी इंडिया की इस संसद से, आप ये भाव आप में पैदा होंगे, पूरे देशवासियों में पैदा होंगे, समूह भावना पैदा होगी, ग्रुप स्पिरिट, हम एक हैं, कमांड, सरकार की कमांड ज़्यादा होगी लोगों पर, अपने आप पर, इवन MPs पर, और एक फाइटिंग स्पिरिट पैदा होगी, जो अभी तक दबे हुए थे, पीछे हट जाते थे, वो एग्रेसिवनेस आएगी। वैसे ठीक है भाई, शाइनेस है अपने आप में, ठीक है, लेकिन अगर कोई ललकारेगा तो फिर जूझने वाली समर्था होनी चाहिए, वो बढ़ेगी। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड 3 का विशेष राज चिन्ह था ये जंगली सुअर बोर, स्पेशल कोट ऑफ आर्म्स, इसको कहते हैं कोट ऑफ आर्म्स, उनका राज चिन्ह था ये जंगली सुअर, ये देखो ये बता दिखा रखा है, तो इस तरह से इसको कोट ऑफ आर्म्स कहते हैं, राज चिन्ह।
तो जंगली सुअर को लिया हुआ था उन्होंने, क्योंकि इसमें भी इतने सारे गुण होते हैं। तो इस निडर प्राणी को मारना बहुत कठिन होता है, शिकारियों के लिए चुनौती है ये। यूरोप में जंगली सुअर राजसी शिकार के चार पशुओं में से एक था। तो राजा लोग हरेक का शिकार नहीं करते थे, कोई ये था भाई बाघ का शिकार करना है, जंगली सुअर का करना है, इस तरह से। अब राजा अगर खरगोश या लोमड़ी मारने लगे तो कोई तुक थोड़ा है। तो चार पशु थे, उनमें से एक ये था। तो जंगली सुअर का मांस बहुत उच्च गुणवत्ता का माना जाता था। वहाँ पर भी समारोहों और उदारता के साथ साथ बहुतायत, साहस, हठ और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जंगली सुअर दे रिपेंट गैदरिंग्स, समारोह, उदारता, जेनरसिटी, अबंडेंस, करेज, स्टबरनेस एंड पावर। तो ये इन चीज़ों का प्रतीक है, तो इन सब का असर आएगा। संसद भवन की शेप, ठीक है ना, क्योंकि जंगली सुअर जैसी है, आगे कटा हुआ जो हिस्सा वो थूथन की तरह हो गया, और फिर वराह अवतार वाली चीज़ आ रही है, दोनों का कंजंक्शन ले तो इन सब का इफेक्ट आने वाला है। ये सब क्वालिटीज बढ़ेंगी। तो ये राष्ट्रपति भवन यहाँ पर, ठीक है, इधर वीपी हाउस बनेगा नया, इधर प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस राइट में, ओके, ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये बन जाएंगे अजायब घर, ओके, यहाँ से हटा के इधर सारे के सारे इधर ले आएंगे इनको, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। और ये आपकी ट्रेपीजॉइडल शेप का पूरा प्लॉट है, इसमें पुराना संसद भवन ये और ये नया बन गया है, ठीक है ना। तो संसद भवन के भूखंड में वराह अवतार की बात मैंने पहले ही बता दी आपको। तो सामान्य सिद्धांत क्या है, शुभ माने जाने वाले जीव जंतुओं के आकार की भूमि शुभ होती है। तो बाघ का आकार, हाथी का आकार, बैल का आकार, सांड का, यानी कि ये सब शुभ माने हैं, भागते हुए घोड़े का आकार, और जो लोमड़ी का आकार है मान लो, कौवे का आकार है, सांप का आकार, वे अच्छे नहीं माने। तो विश्वकर्म प्रकाश के अध्याय एक में शुभ अशुभ भूमि के लक्षणों का वर्णन मैंने बताया था। शुभ भूमि कौन सी कही गई है, सिंह के आकार की, सांड के आकार की, हाथी के आकार की, अश्व के आकार की। तो ये कहा है बाघ या शेर के आकार की जमीन गुणी पुत्रों को देती है। केवल पुत्र नहीं, पुत्र यानी संतान, वृद्धि परिवार की। अब आप देखो, इंडिया के लोग पहली बात तो वैसे वर्ल्ड में नंबर वन हो गए, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, और यहाँ के लोग शिफ्ट कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। हर साल लाखों लोग बाहर जाके बस रहे हैं, वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं। तो ये अगर ऐसी ज़मीन हो, ये नहीं है ऐसी कोई, बता रहा हूँ मैं वैसे, अगर ऐसी ज़मीन हो तो आपके आपकी अपनी घर की ज़मीन है तो ऐसी संतान होगी जो गुणी होगी, वर्चुअस। और सांड या बैल या उक्ष भी कहते हैं संस्कृत में, इसके आकार की होगी तो पशु और वाहनों का सुख होगा। पुराने टाइम में पशु थे, आजकल वाहन हो गए। फिर हाथी के आकार की होगी तो धन देने वाली होगी, कहते हैं ना मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। और मज़ेदार चीज़ देखो इनमें, खास बात क्या है, चार ये डिस्कस किए हैं विश्वकर्म प्रकाश में, और चारों ये रोचक बात क्या है, चारों जानवर, शेर, हाथी, सांड, अश्व, ये हमें भारत के राज चिन्ह में मिलते हैं। जो सारनाथ में अशोक की लाट मिली है उसमें ये चारों उकेरे गए हैं, चित्रित किए गए हैं, चारों के चारों, चारों की मूर्तियाँ हैं उसमें। ये इसमें देखो, ये सत्यमेव जयते, ये जो बना है इसमें, ये दिख रहा है ना आपको, भागता हुआ घोड़ा दिख रहा है, सांड दिख रहा है, इस तरह पीछे हाथी और वो भी दिखेंगे आपको, व्याघ्र। तो भारत का राज चिन्ह जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसके ऊपर की लाट है, ठीक है ना, सारनाथ के संग्रहालय में देख सकते हो आप। इसमें चार शेर तो ये हैं, बैक टू बैक चार शेर, जो दहाड़ते हुए शेरों की मूर्ति स्थापित की गई है संसद भवन के बिल्कुल ऊपर। और नीचे क्या, घंटे के आकार के, ये पद्म है घंटे के आकार का ये वाला, इसमें एक हाथी है, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है ये देखो, फिर एक सांड है, फिर इसके पीछे सिंह है, ठीक है। तो ये है, और ये कितने शुभ माने, इनके आकार की जमीन तक शुभ मानी हुई है।
तो ऊपर चार शेर हैं, चार दिशाओं में मुंह किए हुए हैं ये। तो अशुभ भूमि फिर क्या बताइए? सर्प आकार की भूमि है, अजगर के आकार की है, मेंढक के आकार की है, गधे के आकार की है, बगुला कोल कौवा या उल्लू के आकार की है। फिर देखो क्या बताया, मेनली सुअर के आकार की। अब मैंने इसलिए पहले से ही बता दिया आपको, ये सुअर है जो कूड़े में गंदगी में मुंह मारने वाला, इसकी बात नहीं कर रहे। बोर शेप आर्मी फॉर्मेशन, वो है जंगली सुअर, लड़ाकू है जो। तो दोनों संसद भवन की कुल भूमि डायमंड आकार का भूखंड है, ये हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके। वराह व्यूह रचना से गहरा संबंध है इसका। मनुस्मृति के सातवें अध्याय में वराह व्यूह रचना का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ आपको। तो हमने क्या देखा, अब संसद भवनों के भूखंड और इमारतों में कहीं ना कहीं वराह आकार की गहरी भूमिका है। पहली बात तो पूरा प्लॉट डायमंड शेप का है, वो है वराह व्यूह रचना। और ये जो नई संसद भवन है, इसको अगर कटे कोनों से देखेंगे तो भी वराह आकार कहते हैं इसको, सामने से चपटा फिर फैलता हुआ, तो ये अशुभ नहीं है इतना। तो इसका लेकिन आक्रामकता से, एग्रेसिवनेस से, युद्ध से, वार मिलिट्री टैक्टिक्स और कठिन परिस्थितियों से मुक्ति से बहुत गहरा संबंध है इसका। फ्रीडम फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ये सब का असर आएगा। जो पहले वाली संसद भवन में तो गोल गोल घूमते रहते थे और 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके उस संसद भवन में ही। अब देखते हैं, अब ज़्यादा स्ट्रांगली काम करना चाहिए गवर्नमेंट्स को। तो नई इमारत की वास्तुकला और सुंदरता के डिज़ाइन में वर्तमान गोलाकार संसद भवन का भी ध्यान रखा गया है, सेंट्रल विस्ता की और दूसरी इमारतें उनका भी ध्यान रखा गया है, और भारत की प्राचीन शास्त्रीय लोक और जनजातीय कलाओं का और शिल्पों का भी ध्यान रखा गया है। अभी हम आगे करेंगे, अब इंटीरियर पे आएंगे हम धीमे धीमे, कि किस तरह से इंटीरियर में जो भारत की लोक और जनजातीय कलाएं हैं, लोक और जनजातीय शिल्प हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। वो सारे पैटर्न्स लिए गए हैं इसमें, किस तरह से इसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, उनसे थीम लिए गए हैं। भारत के लगभग हर राज्य, हर संस्कृति, उनसे थीम लेकर इसमें रचा बुना गया है संसद भवन में। तो इसके फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन वर्तमान गोल इमारत के मुखौटे के वास्तुशिल्प और निर्माण सामग्री के संदर्भ में तैयार किया गया है। तो उसमें भी धौलपुर स्टोन था, इसमें भी यूज़ किया गया इस तरह से, उसमें भी लाल रेड सैंड स्टोन था, इसमें भी किया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा रेड ग्रेनाइट का भी यूज़ हुआ है। तो नई बिल्डिंग का बाहरी भाग वर्तमान संसद भवन और सेंट्रल विस्ता की अन्य ऐतिहासिक इमारतों के समान लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर से आच्छादित है। ओके, लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद बलुआ पत्थर, ये यूज़ किया गया है, पहले भी यूज़ किया गया था ये पत्थर। वर्तमान भवन की तरह इसकी मुख्य निर्माण सामग्री धौलपुर पत्थर है, धौलपुर स्टोन, जो सब ये सफ़ेद बलुआ पत्थर होता है। कुछ आंतरिक खंडों में लाल बलुआ पत्थर की जगह लाल ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया, ग्रेनाइट ज़्यादा लंबा चलता है, ये माना जाता है 1000 साल तक चलता है ग्रेनाइट। वर्तमान जो पुराना संसद भवन है उसकी रेट्रोफिटिंग की जाएगी, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा बिल्डिंग को, और इस प्रकार इसका नवीनीकरण हो जाएगा। जिस तरह चवन ऋषि के बारे में कहते हैं ना कि वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने चवन प्राश ईजाद किया, फिर चवन प्राश खाया एकदम यंग हो गए वो, तो आंवला वो वाली चीज़ देता है, नए सिरे से यंग बना देता आदमी को। इस तरह से रेट्रोफिटिंग कर देंगे पुरानी बिल्डिंग की, उसका नवीनीकरण हो जाएगा ताकि संसदीय आयोजनों के लिए अधिक से अधिक कार्यशील उपयोगी स्थल मिल सके। तो ज़्यादा जगह अवेलेबल हो जाएगी, फंक्शनल स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। और क्या होगा, नए संसद भवन के साथ साथ पुराने संसद भवन का भी फिर से सही सही उपयोग हो सकेगा। अभी तो उसमें मेजर रिपेयर हो ही नहीं पा रही थी, अब हो सकती हैं आराम से। तो आप देखना, कुछ दिनों में पता चलेगा आपको वो नए रंग रूप में आ गया। बहुत ज़्यादा तो उसमें चेंज कर नहीं सकते क्योंकि 100 साल से पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है वो। तो इन आकारों के विश्लेषण के आधार पर मेरा अब ये अनुमान है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर
राक्षस हिरण्याक्ष से पृथ्वी का उद्धार किया था, इस तरह नई संसद भवन पुरानी संसद भवन का उद्धार भी करेगी और भारतीय प्रजातंत्र का भी उद्धार होगा, जो कि हमें दिशा ही नहीं पता चल रही थी कि किधर जा रहा देश, गोल गोल घूम रहे थे हम। ठीक है, अब आप देखो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही है गवर्नमेंट, जो अभी आपने कहा कि मामला मान लो रशिया और यूक्रेन का था, हमें क्या फ़ायदा होना भाई, ठीक है ना। और इसी तरह यहाँ पर फिलिस्तीन के प्रॉब्लम में आए हुए लोग हैं, उनको भी राशन पानी भेजा जा रहा है, लेकिन हम ये कोई दूसरा पक्ष है जो उसको कोई उसकी बद भी नहीं पीट रहे, उसको कोई डाउन भी नहीं कर रहे, उससे कोई कट्टी भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने देश के हित देखने हैं, ठीक है ना। तो पुरानी संवैधानिक परंपराओं का आदर सम्मान बना रहेगा, क्योंकि इस नई बिल्डिंग ने पुरानी वाली बिल्डिंग को ऐसे लगता है इस तरह सिर पे धारण कर रखा है, वो वेस्ट की तरफ हो गई, बल्कि ये ईस्ट में है, ठीक है। सरकारें ज़्यादा सक्रिय होंगी, ज़्यादा कमांड रखने वाली होंगी, ज़्यादा मतलब नियंत्रण रखने वाली होगी लोगों पर, कानून व्यवस्था पर, देश की आंतरिक और बाह्य नीतियों पर, कानून के दांत ज़्यादा पहने होंगे, ज़्यादा जोरों शोरों से एनफोर्स किया जाएगा कानून, और भारतीयों में साहस का संचार होगा, निडरता का संचार होगा, समूह भावना का संचार होगा। अब आप देखो कुछ हद तक तो लग रहा है कि भी विदेश में जो कोई जानता ही नहीं था भारत को, भारतीयों को, अब धीमे धीमे इकोनॉमी भी फोर फ्रंट पर आती जा रही है, ठीक है, भारत के लोग जगह जगह फैलते जा रहे हैं, अमेरिका में, वहाँ की संसद में, वहाँ की राजकाज में भारतवंशी जो लोग हैं वो फोर फ्रंट में आते जा रहे हैं, और यूके में तो आप देख ही रहे हो कि वहाँ दिवाली मनाई जा रही है पीएम हाउस में। तो इस तरह से भारत के जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, अब चाहे वो इस्कॉन वाले हों, लेकिन अब गुजरात की ऑर्गेनाइजेशन है जो वो बना रही है अमेरिका में और दूसरे देशों में। तो लेकिन अब क्या होगा, जो ये संसद भवन है किले की तर्ज पे, सैनिक छावनी की तर्ज पे बनाया हुआ है, तो आम लोगों में और सरकारों में दूरियां बढ़ सकती हैं, और आने वाली सरकारें जो हैं स्टबर्नेस बढ़ सकती है उनमें, हठधर्मिता, अड़ियलपन, एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, उग्रता। तो इसके बारे में देखते हैं, मेरी ये अपनी मतलब प्रिडिक्शन है बेस्ड ऑन द शेप्स ऑफ दीज टू बिल्डिंग्स एंड देयर म्यूचुअल कंजंक्शन, ठीक है, उन दोनों को मिला के देखने के आधार पर।